हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी नीटिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बुनाई डिजाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सा बुनाई डिजाइन है, बिगिनर फ्रेंडली। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो इस डिजाइन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो है 3 के गुने में फंदे लेने होते हैं, यानी कि 3 के मल्टीपल में स्टिचेस डालने होते हैं। कोई भी फंदा आपको इसमें एक्स्ट्रा नहीं रखना है। और ये जो डिजाइन है आपका, सिर्फ 4 सिलाइयों का डिजाइन है, बहुत आसान है। बिगिनर्स है तो भी आप इसे बना पाएंगे बहुत इजीली। सीधी तरफ से हम अपने डिजाइन को स्टार्ट करते हैं। तो सीधी तरफ से हमारा ये जो डिजाइन है वो स्टार्ट है। तो पहला फंदा देखिए, हम ऐसे सीधा बना लेंगे एज स्टिच का, इस तरह से देखिए। ठीक है, हमने पहला फंदा सीधा बना लिया। अब ध्यान से देखिएगा पहली सिलाई। अब यहाँ पे हम, ये तो एज स्टिच का फंदा है। अब यहाँ पे एक फंदा हम ऐसे सीधा बना लेंगे, इसे हमने सीधा बनाया। अब हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे। जाली डाल के इस फंदे को हम ऐसा करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने जैसे बनाए हैं फंदे 3, वही हम रिपीट करेंगे। तो अब देखिए क्या करना है इसके, हाँ सॉरी, 2 फंदा 1 करने के बाद एक फंदा हमें यहाँ सीधा बनाना है। तो ये जो 3 फंदे हमने बनाए, यही हम रिपीट करेंगे। ये स्टार्टिंग का जो सीधा फंदा है एज स्टिच के बाद, इसे हमें बेस के लिए लेना है। ठीक है, अब फिर से देखो, एक बार जारी डालेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, ये देखिए 2 का 1 कर देंगे। फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे घुमा के इस तरह से। फिर इसे हम एक फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, इसे घुमा के ऐसे करेंगे और इसे हम 2 का 1 बनाएंगे। और फिर इसके बाद इसे सीधा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर हम यहाँ पे ऐसे घुमा के 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा बना लेंगे, एज स्टिच को भी सीधा बना लेंगे। अब आ जाएंगे हम अपनी उल्टी तरफ, यानी कि रॉन्ग साइड। तो पैटर्न की रो नंबर 2 है। पहला फंदा आपने ऐसे स्लिप कर लेना है। अब यह 2 फंदा उल्टा दिख रहा है, इनको उल्टा बनाना है, 1 और ये 2। अब धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसको आपको सीधा बनाना है ऐसे। धागा अपनी तरफ लाके 2 फंदा उल्टा। तो आपको अब हर बार यही करना है, धागा पीछे। जाली वाले फंदे को बेसिकली कहने का मतलब है सीधा बनाना है, बाकी फंदों को आपको उल्टा बनाना है। ठीक है, ऐसे धागा पीछे, फिर जाली वाला फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदा उल्टा ऐसे। धागा पीछे ले जाएंगे, फिर ये जाली वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदा ऐसे उल्टा बना लेंगे। फिर धागा पीछे, जाली वाला फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ, 1 फंदा ये उल्टा हो जाएगा और ये एज स्टिच भी उल्टा हो जाएगा। तो ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बना ली। ठीक है, अब पैटर्न की रो नंबर 3, पहला फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदे को आपको बनाना है सीधा, अगले फंदे को भी सीधा बनाएंगे। और इस तरह से देखिए सीधा सीधा बनाते हुए हमें पूरी रो को, रो नंबर 3 को सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। रो नंबर 3 हमें पूरी की पूरी सीधी ही बनानी है। ठीक है, इस तरह से हम रो नंबर 3 यानी कि तीसरी सिलाई पूरी सीधी बनाएंगे ऐसे। तो अगर आप लोग बिगिनर्स हैं ना, तो भी इस डिजाइन को बहुत आसानी से बना लेंगे, क्योंकि ये डिजाइन बहुत ही ईजी लगता है देखने, मतलब देखने में भी ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होगा, बनाने में बहुत आसान है। रो नंबर 4, रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करके सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। रो नंबर 4 यानी कि चौथी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा मेकअप वाला चैनल नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। वहां पर मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस बनाती हूँ, तो एक बार देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो, आपको पसंद आए। तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यार सपोर्ट दीजिएगा, जैसे इस चैनल को दिया वैसे उसे भी सपोर्ट कीजिएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 सिलाइयाँ हमें रिपीट करते हुए जाना है बार बार। रो 1 में आपको फिर से बताऊंगी, क्योंकि थोड़ी ट्रिकी है। पहला फंदा स्लिप करके एक फंदा आपने बनाना है सीधा, इसके बाद जाली डालनी है, इस फंदे को ऐसे घुमाएंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1 करेंगे, अगला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे और वो जाली डालेंगे और यहाँ पे इसको 2 का 1 कर देंगे, फिर अगले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, एक जाली,
दो का एक, लेकिन फंदे को घुमाना मत भूलिएगा, ठीक है। एक फंदा सीधा, सॉरी फिर से जाली, इसको ऐसे घुमाएंगे, दो का एक, अगला फंदा सीधा, फिर ऐसे ऐसे घुमाएंगे इसको, ऐसे दो का एक करेंगे, अगला फंदा सीधा, एज स्टिच को भी आप सीधा बनाएंगे इस तरह से, देखिए। तो इस तरह से यही चार सलाइयां आप बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे, तो डिजाइन पैटर्न देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत सा बन के आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा डिजाइन बन के आया है, बहुत सुंदर सैंपल पे कितना प्यारा लग रहा है। तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा इस तरह से, देखिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।